मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्फत हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एडोनिस वर्नालिस। फीजेंट आई कहलाता है और रेनुनकुलेसी फैमिली से इसका ताल्लुक है। ए हार्ट मेडिसिन आफ्टर रूमेटिज्म आर इन्फ्लुएंजा आर ब्राइट्स डिजीज वेयर द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इन द स्टेज ऑफ फैटी डीजनरेशन। तो ये दिल की बड़ी दवा है और खास तौर पर अगर रूमेटिज्म दब जाए यानी जोड़ों की दर्दें जो है वो सप्रेस हो जाए उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए या इन्फ्लुएंजा के दब जाने के बाद हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए या गुर्दे की सोजिश दब जाने से हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें होगा क्या कि द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इन द स्टेज ऑफ फैटी डीजनरेशन। हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी फैटी डीजनरेशन शुरू हो जाएगी यानी जो एक्चुअल टिश्यू है उसकी जगह फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी यानी मसल वीक हो जाएगा। रेगुलेटिंग द पल्स, ये पल्स जो है उसको रेगुलेट करती है ये दवा। एंड इंक्रीजिंग द पावर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और दिल के सुकड़ाव की जो कुवत है उसको बेहतर बनाती है। विद इंक्रीज्ड यूरिनरी सिक्रीशंस, और पेशाब आवर भी है, पेशाब लाती है। तो दिल के अमराज में जब दिल कमजोर हो जाए या उसके पट्ठे वीक हो जाएं तो उसमें जो हार्ट टॉनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि दिल को तकवियत देने के लिए या जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि हार्ट जो है वो ओवरलोड ना हो और पेशाब आवर दवाएं दी जाती हैं। तो ये दवा जो है वो दोनों काम बैक वक्त करती है कि हार्ट को भी टोन करती है और पेशाब आवर भी है। इसीलिए जितने भी कंपेंसेटरी हाइपोट्रॉफी के प्रॉब्लम्स हैं हार्ट के और अगर उनमें प्यास नहीं है और पेशाब कम हो गया है तो एडोनिस वर्नालिस जो है वो उसकी दवा हो जाएगी। मोस्ट वैल्यूएबल इन कार्डियक ड्रॉप्सी, तो इसीलिए दिल के मर्ज में अगर पानी पड़ जाए, सोजन आने लग जाए जिस्म के ऊपर तो ये पानी को भी जिस्म से बाहर निकाल। लो वाइटिलिटी, कुव्वत हयात वीक हो जाती है, विद वीक हार्ट दिल कमजोर होता है, एंड स्लो वीक पल्स, और नब्ज जो है वो स्लो भी होती है और वीक भी होती है, जैसे डिजिटलिस की नब्ज है स्लो हो जाती है और वीक हो जाती है। हाइड्रोथोरेक्स, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, सीने में, छाती में पानी पड़ जाता है, एसआईटीज पेट में पानी पड़ जाता है, या एनएसआर का या जनरल जिस्म पे उडिमा हो जाता है यानी कार्डियक ड्रॉप्सी की जो फॉर्म है तो उसमें ये दवा इस्तेमाल होगी। सर की अलामात में फील्स लाइट, सर जो है वो हल्का महसूस होता है, एक से क्रॉस द फ्रंट सामने माथे से दुखता है, और फ्रॉम ऑक्सीपुट अराउंड द टेम्पल्स टू द आई, सर के पिछले हिस्से से दर्द जो है वो फैलता हुआ कनपट्टियों से होता हुआ आंखों की तरफ जाता है। वर्टिगो ऑन राइजिंग, उठने पर चक्कर आते हैं, टर्निंग हेड सर को घुमाने पर चक्कर आते हैं, और लाइंग डाउन या फिर लेटने से भी चक्कर आते हैं। टिनाइटस, कानों में आवाजें आती हैं, शोर सुनाई देता है। स्कैल्प फील्स टाइट, और सर की जो जिल्द है वो टाइट महसूस होती है। आईज डाइलेटेड, और आंखें जो हैं वो फैली हुई होती हैं या आंख की पुतलियां भी फैली हो सकती हैं। मुंह में स्लाइमी टेस्ट है, यानी जो लुआब है वो गाढ़ा महसूस होता है। टंग डर्टी येलो, जबान पर एक पीले रंग की गंदी सी तह होती है। सोर, मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, एंड फील्स स्कार्डेड, और ऐसा लगता है जैसे जबान जो है वो जली हुई हो। दिल की अलामात में माइट्रल एंड एओर्टिक रीगर्जिटेशन, तो जो माइट्रल वेल्व है यानी दिल के दाई जानब से जहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो खून लेकर फेफड़ों की तरफ जा रही है, तो वहां पर जो वेल्व है और एओर्टा का जो वेल्व है, तो अगर यहाँ पर रीगर्जिटेशन हो रही है यानी ये वेल्व जो है वो वीक हो जाए
और खून जो है वो वापस जाने लगे इनमें से, तो इसमें भी हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा और उसकी कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्रॉनिक एओर्टाइटिस एओर्टा जो है, शरियाने आजम जो है उसकी सोजिश है। फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस, इसी तरह जो दिल की बैरूनी झिल्ली है उसकी सोजिश हो सकती है। रूमेटिक हार्ट प्रॉब्लम्स जितने हैं उनमें एंडोकार्डाइटिस, दिल के अंदरूनी जो झिल्ली है उसकी सोजिश में, कालमिया के साथ हम इसको कंपेयर भी करेंगे। प्रिकार्डियल पेन, दिल के इर्द गिर्द जो है वो दर्द होता है, पेल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एंडिस्निया और सांस फूला हुआ होता है। मार्क्ड वीनस एनगार्जमेंट, तो जब भी हार्ट फेलियर की तरफ जाता है तो उसमें होता ये है कि मसल वीक होने की वजह से हार्ट पाम्प नहीं करता, तो पीछे वीनस साइड के ऊपर ब्लड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जितनी भी वेन्स हैं उनमें एनगॉर्जमेंट होती है क्योंकि ब्लड जो है वो आगे नहीं जा रहा होता। कार्डिक एस्थमा, तो दिल के तंगी नफ्स या सांस फूलने की जो अलामत है यह कार्डिक एस्थमे में, इसको क्यूब्रेको के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये एस्पिडोस्पर्मा भी कहलाती है ये दवा, और इसको लंग्स का डिजिटलिस कहा जाता है। क्यूब्रिको की बात कर रहा हूँ, एस्पिडोस्पर्मा की बात कर रहा हूँ। फैटी हार्ट, तो अभी ऊपर हमने बताया कि फैटी डिजनरेशन शुरू हो जाती है। मायोकार्डाइटिस, दिल के मसल जो है उसकी सोजिश होती है। इरेगुलर कार्डिक एक्शन, दिल का एक्शन जो है वो इरेगुलर हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन, खिंचाव की कैफियत होती है, दबाव की कैफियत होती है। वर्टिगो, चक्कर आते हैं। पल्स रैपिड एंड इरेगुलर, नब्ज जो है वो तेज हो जाती है और इरेगुलर होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि डिजिटलिस जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है कि अगर एरिथमियाज हो तो एलोपैथी में भी ये डिजिटलिस का इस्तेमाल किया जाता है, होम्योपैथी में भी डिजिटलिस का इस्तेमाल किया जाता है के हार्ट की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए। लेकिन डिजिटलिस जो है उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, यानी अगर आप डिजिटलिस ज्यादा देर तक इस्तेमाल करवाएंगे तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा और यूरिन भी सप्रेस हो जाएगा। तो इस दवा की खूबसूरती है एडोनिस की कि ये हार्ट के मसल को भी टोन अप करती है और पेशाब भी लाती है, तो इस तरह से दोनों इफेक्ट इसके हम हासिल कर सकते हैं। मेदे की लामात में हैवी वेट बोझ होता है मेदे में, ग्नाइंग हंगर, भूख बहुत ज्यादा है, फेंट फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम, फूमे मैदा पर डूबने का एहसास होता है, भूख का एहसास, फेंटिंग फीलिंग है। बेटर आउट ऑफ डोर्स, खुली हवा में मरीज जो है वो बेहतर फील करता है। यूरिन में पेलिकल्स, ऑयली पेलिकल्स ऑन यूरिन, तो पेशाब के ऊपर एक चिकनाई की झिल्ली या जाला जो है वो महसूस होता है, यानी चिकनाई की एक लेयर सी महसूस होती है। पेशाब कम हो जाता है या उसमें एल्ब्यूमिन आ रही होती है। सांस की अलामत में फ्रीक्वेंट डिजायर टू टेक ए लॉन्ग ब्रेथ, बार बार लंबा सांस लेने की मरीज को ख्वाहिश होती है, जैसे इग्नेशिया के मरीज में होती है, लेकिन वहां उसकी वजूहत साइकोलॉजिकल है, यहाँ पर या इमोशनल है, तो यहाँ पर ये दिल की बीमारी की वजह से कार्डियक एस्थमा किसी कैफियत होती है। फीलिंग ऑफ वेट ऑन द चेस्ट और छाती पर बोझ का एहसास होता है। तो नींद जो है उसमें रेस्टलेसनेस है, बेचैन होता है, विद हॉरिबल ड्रीम्स और खौफनाक ख्वाब आते हैं। एक्सट्रीमिटीज एकिंग इन द नेप, सर की पिछले हिस्से गुद्दी में, गर्दन के पिछले हिस्से में दुखन होती है, स्पाइन स्टिफ एंड एकिंग, इसी तरह रीढ़ की हड्डी जो है उसमें भी स्टिफनेस है और दर्द का एहसास है। उडीमा, इसमें आप ऊपर देख रहे हैं कि उडीमा भी है, अनासार का भी है, एसाइटिस भी है, हाइड्रोथोरिक्स भी है, यानी पानी जो है वो जिस्म में इकट्ठा हो रहा है, तो पेशाब आवर होने की वजह से ये जिस्म में से पानी को भी निकालती है। तो कंपेयर इसके रिलेशनशिप में एडोनेडीन है जो के इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इज ए कार्डिक टॉनिक एंड डायूरेटिक, तो कार्डिक टॉनिक भी है और डायूरेटिक भी है। क्वार्टर ग्रेन डेली आर 2 to 5 ग्रेन्स ऑफ फर्स्ट डेसिमल ट्रेचुरेशन, इंक्रीजेस द आर्टेरियल प्रेशर एंड प्रोलॉन्ग्स द डायस्टोले। तो अगर ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये मटेरियल डोज में इस्तेमाल किया जाए तो ये जो डायस्टोले है उसको प्रोलॉन्ग करता है, ताकि जो वेन्स हैं उनकी एम्प्टीइंग में, उनको
उनमें से खून को निकालने में मदद मिले, फेवरिंग एम्प्टिंग ऑफ द एनगार्ज वेन्स। तो जो विनस साइड पे ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है तो वो वहां से मूव करना शुरू करता है, हार्ट के मसल टोन अप हो जाते हैं। इज एन एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट फॉर डिजिटलिस। तो ये डिजिटलिस का एक बेहतरीन नेबल बदल है, जहां डिजिटलिस एरिथमियाज में उसका एक्युमुलेटिव इफेक्ट होता है कि जब उसका एक्शन हो तो फिर डिजिटलिस को बंद करना पड़ता है, वरना फिर मरीज का जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा और पेशाब बंद हो जाएगा। एंड इज नॉट क्यूमुलेटिव इन द एक्शन। तो इसका एक्शन जो है वो क्यूमुलेटिव नहीं है एडोनिस का, तो ज्यादा बेहतर काम करती है डिजिटलिस। तो इसको भी हार्ट की रेमेडीज के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं। डिजिटलिस है, क्रेटिकस है, कन्वलेरिया है, स्ट्रोफेंथस है, ये सारी हार्ट की मेडिसिन है। तो 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ द टिंचर, तो ये टिंचर के 5 से 10 ड्रॉप्स इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आमतौर पर टिंचर जो लो पोटेंसी में इस्तेमाल होने वाली दवा है। तो अपना ख्याल रखिए होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज़।